निर्मला मुंशी कहकर एक बूढ़ी औरत बहुत सक्रिय से रहने वाली औरत थी। उसको पति, बेटा, बहू और पोता और पोती भी थे। उनका बात कहे तो उनका घर में सब पालन करते हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति आया तो निर्मला उनको अच्छा सलाह देती थी। घर में सब काम करने के साथ साथ बाजार को स्कूटर पर जाकर घर के लिए सारा सामान भी लाती थी। उतना ही नहीं, वो एक थैले पर पकौड़े तैयार करके बेचती भी थी। उसका पति उसको काम में मदद करता था। हमेशा तेले के पास पति मुंशी से, हे मुंशी, हमें इस उम्र में ये पकौड़ी बेचना जरूरी है क्या? हमारा बेटा हमें आराम करने के लिए कह रहा है ना? हमें इस तेले पर मिले पैसे नहीं होने से भी हम जी सकते हैं ना? कहता था तब मुंशी। अरे ये क्या है, हर रोज तुम्हारा ये बहस। आराम करके क्या करोगे बताओ? घर में बैठकर टीवी देखने के अलावा क्या करोगे? बच्चे तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन हमें हिम्मत होने तक उन पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। एक के ऊपर आधार करके जीना कभी भी अच्छी बात नहीं है, जरा समझो, बोलती थी। मुंशी का बेटा एक ब्रेड फैक्ट्री में डिलीवरी बॉय जैसा काम करता था। एक ऑटो में हर रोज ब्रेड पैकेट लगाकर दुकान में जाकर डिलीवरी करता था। उस ब्रेड फैक्ट्री का मालिक एक नंबर का कंजूस और कमीना था। वेतन देते समय कुछ न कुछ बहाने बनाकर काम वालों को कम पैसे देता था। एक दिन इस बात पर मुंशी का बेटा मालिक से झगड़ा करने लगा। तब मालिक को गुस्सा आकर, क्यों भाई, बड़ा पिस्ता जैसे बातें कर रहे हो? तुम्हें पसंद नहीं है तो काम छोड़कर चले जाओ। तुम्हें कोई रहने के लिए विनती तो नहीं कर रहे है ना इधर? कहा। तब वो, फिर तो ऐसे ही कीजिए, मेरा वेतन मुझे दे दीजिए, मैं चले जाता हूँ। कहा। तब मालिक, वेतन? कौन सा वेतन? काम छोड़कर जाने वालों को इधर वेतन नहीं देता हूँ। चाहिए तो उस वेतन के हिसाब का ब्रेड पैकेट जितना चाहिए उतना ले लो, ज्यादा बोला तो वो ब्रेड पैकेट भी नहीं देता हूँ, कहकर धमकी दिया। तब कुछ नहीं कर सका और उन ब्रेड पैकेट्स को लेकर घर वापस चला गया। उनको माँ को दिखाकर जो कुछ हुआ वो सब बताया। वो कमीना, मेरा वेतन नहीं देकर उसके बदले ये ब्रेड पैकेट्स को मेरे मुंह पर मारा है। इनसे मुझे अब क्या करना है? सड़क पर लगाकर बेचना है क्या? भगवान, ये क्या है मेरा हालत, कहकर रोने लगा। तब मुंशी, छी, छोटे बच्चे की तरह ऐसे क्यों रो रहे हो? पहले रोना बंद करो। हर मुश्किल को कुछ न कुछ परिष्कार तो मिलता है, शांति से उसके बारे में सोचना है ना? बोली। तब पति, उसका नौकरी गया और वो रो रहा है तो उसको हिम्मत देना छोड़कर ऐसे क्यों बात कर रही हो मुंशी? अब इस समस्या से कैसे बाहर आना है बताओ, पूछा। तब मुंशी, आप भी हर बात पर भड़क जाते हो, पहले मुझे सोचने दीजिए, बोली। अगले दिन सुबह मुंशी, बेटा, इस ब्रेड का एक्सपायरी डेट तो एक हफ्ते तक रहता है ना, इसलिए इस ब्रेड से मैं पनीर पैकेट्स बनाकर बेचती हूँ। अगर ये आइटम लोगों को पसंद आया तो हम पकौड़े बेचना छोड़कर आराम करेंगे, बाद में तुम पनीर पैकेट्स बनाकर बेचो, बोली। उसके लिए ठीक है कहकर बेटा ने बात मान लिया। अगले दिन थैले पर ग्रैंड माँ का पनीर पैकेट कहकर एक बोर्ड लगाई। उधर ब्रेड के बीच में मसाला लगाकर तेल में अच्छे से तलाने लगी। आने वालों को पति और बेटा वो आइटम्स देने लगे। वो खाकर लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। मुंशी का बेटा को वो मसाला कैसे बनाते हैं और ब्रेड के बीच में लगाकर कैसे तलाना है ये सब सिखाई। अब बेटा खुद उनको तैयार करके उनको बेचकर पैसे कमाने लगा। कुछ दिन ऐसे गुजर गए, ठेले के पास लोग ज्यादा आने लगे, पैसे भी अच्छे से मिलने लगे। एक दिन ठेले पर मुंशी, बेटा, अब से इस ठेले का काम तुम खुद देख लो। क्यों जी, आराम करना है आराम करना है कहकर कब से कह रहे हो ना? चलो अब हमें जाकर आराम करने का समय आ गया है, बोली। तब से लेकर मुंशी और उसका पति घर में आराम करने लगे। आप पुराना सामान खरीदते हैं जी, पुराना सामान, पुराना पेपर खरीदते हैं जी, पुराना पेपर, कहकर चिल्लाते हुए एक आदमी तेले को धकेलते हुए जा रहा था। उसका नाम बग्गा था। बग्गा ऐसा पुराना सामान और पुराना पेपर को खरीदकर उनको ले जाकर स्क्रैप दुकान में बेचकर पैसे कमाता था। बग्गा उसकी बीवी और बच्चों के साथ एक छोटा सा झोपड़ी में जी रहा था। घर के आगे लकड़ी काटकर
उनको जलाकर खाना बनाकर खाते थे। बारिश का मौसम आया तो लकड़ी भीग जाते थे, उसके वजह से चूल्हा न जला पाकर बहुत दुखी होते थे। बग्गा को हर रोज एक आदमी सड़क में जमीन पर कुछ ढूंढते हुए दिखाई देता था। वो आदमी रोज ऐसे दिखाई देने के वजह से एक दिन बग्गा, कौन हो आप? बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप तो इस गांव के जैसे नहीं लग रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो जैसा लग रहे हो, कहा। तब वो आदमी, हे, तुम्हारा काम तुम देख लो, मेरे बारे में तुम्हें जानने की कोई जरूरी नहीं है, जाओ यहाँ से, कहकर फिर से ढूंढने का काम पर लग गया। एक दिन एक गरीब बच्चा को कचरा फेंकने के जगह पर एक इंडक्शन स्टोव मिला। वो बहुत पुराना हो गया था, उसको लेकर बग्गा के थैले के पास आया। तब वो बच्चा, भैया बहुत भूख लग रहा है, इससे लेकर जितना आएगा उतना पैसा दो भैया, पूछा। तब बग्गा ने उसको लेकर देखा और, ये तो इलेक्ट्रिक स्टोव जैसा है बेटा, और ये खराब हो गई है, इसको कोई भी नहीं खरीदेंगे, मगर तुमको भूख लग रहा है बोल रहे हो ना, ठीक है ये पैसे लेकर पहले कुछ खा लो, कहकर कुछ पैसे देकर उसे बेच दिया। फिर वो जाने के बाद बग्गा, हमारा घर में शायद ये काम आएगा, असल में ठीक होगा कि नहीं पहले देखते हैं, सोचकर उसको एक इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप वाले को दिखाकर उसका रिपेयर करवाया। फिर घर आकर उनकी बीवी से उसके बारे में बताया। तब उसकी बीवी, हाँ आपका सोच बहुत बढ़िया है, हमको तो करंट कनेक्शन ही नहीं है ना जी, अब ये कैसे काम करेगा, बोली। तब बग्गा, सच में एक काम करता हूँ, हमारा घर के पास करंट का खंभा है ना, उसमें से लाइन खींच लूंगा, कहा। फिर जैसे कहा था वैसे ही करंट खंभे पर चढ़कर करंट को खींचकर स्टोव को लगाया। अब उसकी बीवी स्टोव पर खाना बना रही थी। बारिश आकर लकड़ियां भीग जाने से भी कोई परेशानी के बिना उसमें खाना बन रहा था। एक दिन सड़क पर कुछ ढूंढने वाला आदमी भागते हुए उसके सामने आकर उधर एक बंक के पीछे छुप गया। फिर बग्गा को हाथ जोड़कर किसी से नहीं कहने के लिए इशारा करने लगा। इतने में चार लोग चाकू और बंदूक पकड़कर बग्गा के पास आए। तब एक आदमी, ए बाबू, इस तरफ कोई भागकर आते हुए देखा है क्या, पूछा। तब बग्गा, हाँ हाँ इधर ही आया था जी, वो उस गली में से भाग गया था, कहकर दूसरा तरफ दिखाया। फिर वे सब लोग उस तरफ भागने लगे। वो भागने के बाद वो आदमी बंक के पीछे से बाहर आकर, बाबू मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए वो लोग पूरा गांव में ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो मार देंगे, दया करके मेरा मदद करो, पूछा। तब बग्गा, आप डरिए मत, हमारा घर गांव के बाहर है, वहां पर कोई भी नहीं आएंगे, आइए आप हमारा घर में रहिए, कहा। फिर उसको लेकर घर आया। घर पर बग्गा की बीवी उस इंडक्शन स्टोव पर खाना बना रही थी। वो आदमी उस स्टोव को ऐसे ही देख रहा था। फिर उसने तुरंत ही उस स्टोव पर रखा हुआ बर्तन को निकालकर स्टोव को हाथ में लिया। तब बग्गा, ये क्या है जी, ये आपका स्टोव है क्या, इसको एक बच्चा ने लाकर मुझे दिया था, मैं तो उसे ठीक करके इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ये आपका है तो लेकर जाइए, कहा। तब वो आदमी ने स्टोव के नीचे उसका हाथ रखकर एक छोटा सा पोटली को निकाला। वो पोटली खोलकर हाथ में लिया तो वो बहुत सारे हीरे थे। फिर वो आदमी, दोस्त मेरा नाम नायक है, मैं एक माफिया डॉन के पास काम कर रहा हूँ, इन हीरों को एक जगह में देने के लिए मेरा बॉस ने कहा था, मैंने किसी को भी शक नहीं आना है कहकर इस स्टोव में रख कर लेके जा रहा था, तभी मेरा कार तुम्हारे गांव के पास एक्सीडेंट हो गया, फिर ये कहीं और पर गिर गया, मैं जब अस्पताल से आया था तब से लेकर इसको ढूंढ रहा हूँ, वे घूम गए है कहकर कहने से भी मेरे बॉस मुझे उनको आदमियों से मारने के लिए कहकर भेजा, ये मिले तो मेरा जान को अभी कोई खतरा नहीं है, तुम्हें बहुत धन्यवाद है, ये लो मेरा उपहार जैसा एक हीरा को ले लो, कहकर एक हीरा को बग्गा को दिया। बाद में बग्गा एक बड़ा सा घर और कार खरीदकर परिवार के साथ खुशी से जीने लगा।